हेलो एवरीवन, दिस इज सुधीर एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। टुडे वी डिस्कस नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 3, पॉपुलेशन कंपोजिशन। आज जो हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे पॉपुलेशन कंपोजिशन के बारे में, और ये चैप्टर नंबर हमारा 3 है। पिछली वीडियो के अंदर हमने जो चैप्टर नंबर 2 है उसको कंप्लीट किया था, और जो मैप है वो भी मैं आपको साथ के साथ लाइव क्लास के अंदर करा रहा हूँ, ठीक है ना बेटा। NCERT प्लस में जो DR कूलर के जो नोट्स हैं वो दोनों आपको इसी वीडियो के अंदर देखने को मिलेंगे, और हर एक जो डिटेल है इस टॉपिक से रिलेटेड वो आपको सभी की सभी जो डिटेल हैं वो इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेंगे, क्योंकि हम इसके साथ में आपको एक अलग से एक्स्ट्रा जो बुक है हमारी, ये NCERT के अलावा NCERT साथ में करा रहे हैं, पर ये हम जो DR कूलर की जो बुक है वो भी आपको करा रहे हैं, ताकि आपको जो एग्ज़ाम है उनके अंदर 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं या फिर जो MCQ हैं वो आपसे पूछे जाएंगे, तो उनमें किसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम हो वो फेस न करने पड़े। जो मैप है वो भी मैं आपको जल्दी ही करा दूंगा। चैप्टर नंबर जो सेकंड है उसका आपको एक पार्ट तो मिल गया होगा, एरिया क्या, कि अकॉर्डिंग टू द एरिया के अनुसार हमने जो मैप है वो कंप्लीट है वो करा दिया है। चलिए बेटा, अब जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे पॉपुलेशन कंपोजिशन चैप्टर नंबर 3 NCERT प्लस में DR कूलर की जो बुक है उससे। पहले बात करते हैं पॉपुलेशन कंपोजिशन। पॉपुलेशन जो कंपोजिशन है उसको हम बोलते हैं क्या, डेमोग्राफी स्ट्रक्चर के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये क्या है, एक पॉइंट तो यहाँ से निकला है कि आपको ये पूछ लेगा कि पॉपुलेशन कंपोजिशन को किस अलग नाम से जाना जाता है, तो वो नाम है डेमोग्राफी स्ट्रक्चर। हमें डेमोग्राफी ट्रांजिशन थ्योरी के बारे में पढ़ा था, और ये है डेमोग्राफी स्ट्रक्चर, याद रखना बेटा, दोनों के अंदर आपको अंतर देखने को मिलेगा। वहाँ स्टेज टू स्टेज और यहाँ पे ग्रुप की बात करेंगे हम, ठीक है ना। वहाँ एक स्टेज से दूसरी स्टेज में जाते थे लोग, यहाँ एक जो ग्रुप है वो दूसरे ग्रुप से कैसे भिन्न है, ठीक है ना। हर एक जो पर्टिकुलर एक जो ग्रुप है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, उसके फीचर क्या है, उसके अंदर मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या है, ये सारी जो चीज़ें हैं वो डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। ये जो इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन विच आर द मेजरेबल, उनको मेजर किया जा सकता है कि भाई कितने उसने जो डेवलपमेंट है वो की है, और हेल्पफुल इन डिस्टेंसिंग वन ग्रुप ऑफ पीपल, या मैं कहूँ रेपुटेड, या अपनी प्रतिष्ठा के लिए, क्या है कि अपनी जो प्रतिष्ठा है उसके लिए जो एक ग्रुप के जो लोग हैं अपनी प्रतिष्ठा को कायम रखने के लिए दूसरे ग्रुप से अलग रहते हैं, या फिर अलग अपना उसका अपने मेथड होते हैं। कहने का मतलब मेरा यहाँ पे ये है कि उसके अपने अपनी जो प्रतिष्ठा है, अपनी जो रेपुटेशन है उसको कायम करने के लिए वो दूसरे जो ग्रुप होते हैं उनसे भिन्न होते हैं, ठीक है ना। वो कैसे होते हैं, डिफरेंस कैसे होते हैं, वो सारी जो चीज़ें हैं वो डिस्कस करेंगे इसके अंदर। वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन कंपोजिशन, जो पॉपुलेशन जो कंपोजिशन है इसके अलग अलग कंपोनेंट्स हमारे देखने को मिलेंगे, और उनके बारे में हम एक एक करके जो स्टडी है वो करेंगे। पहला आता है हमारा एज स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे, सेक्स रेशो के बारे में, लिटरेसी रेट के बारे में, प्लेस ऑफ रेजिडेंस, जो प्लेस ऑफ जो रेजिडेंस है मतलब अर्बन है और जो रूरल है उनके बारे में डिस्कस करेंगे, और वर्क कि लोग क्या करते हैं, प्राइमरी एक्टिविटी के अंदर एंगेज हैं या सेकेंडरी, टर्सरी, क्वार्डनरी, ये सारी जो चीज़ें हैं वो डिस्कस करेंगे बेटा हम इस चैप्टर के अंदर। और आज का जो टॉपिक होगा हमारा वो है सेक्स रेशो, ठीक है ना। अब आज का जो टॉपिक है वो है हमारा सेक्स रेशो। सेक्स रेशो के बारे में आपको पूरी जो डिटेल है वो इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेगी। इसके अलावा आपका एक्स्ट्रा बुक पढ़ने की जरूरत है वो नहीं पड़ेगी बेटा, ठीक है ना। चलिए, द रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ मैन एंड वुमेन, कि जो रेशियो है मैन और जो वुमेन का एक जो रेशियो होता है उसी को हम कहते हैं सेक्स रेशियो, ठीक है ना। क्या है ये डेफिनेशन, है काफ़ी इजी डेफिनेशन है बेटा, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। द रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ मैन एंड वुमेन, जो मैन और जो वुमेन का जो एक रेशियो होता है कि भाई 100 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, या 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, वो जो सारी चीज़ें होती हैं उनको हम बोलते हैं सेक्स रेशियो या फिर लिंग अनुपात, ठीक है ना। लिंग अनुपात क्या है, प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को हम लिंग अनुपात कहते हैं, ठीक है ना। या कहूं कि द रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ मैन एंड वुमेन इज कॉल्ड सेक्स रेशियो अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड। वर्ल्ड के अकॉर्डिंग जो सेक्स रेशियो है वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, अब उसके वो चीज़ डिस्कस करेंगे, उस फॉर्मूला को डिस्कस करेंगे जो वर्ल्ड के अकॉर्डिंग
जो डिस्कस है वो किया जाता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, वो मेन चीज़ ये है, मेल अपॉन में पॉपुलेशन इंटू में 1000। तो यहाँ पे जो मेल होते हैं उनको ऊपर डिनोट किया जाता है और जो फीमेल है उनको नीचे। यहाँ पे 1000 स्त्रियों पर, जो 1000 जो फीमेल होती हैं उन पर मेल की संख्या, ठीक है ना, मेल की कितनी संख्या है वो चीज़ यहाँ पे डिनोट है, वो की जाती है, ठीक है ना बेटा। ये डिस्कस करेंगे एक बार। और अकॉर्डिंग टू इंडिया, इंडिया के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, फीमेल अपॉन में मेल मल्टीप्लाई बाई 1000। जैसे 2011 के अकॉर्डिंग कितना था इंडिया का, 940 फीमेल पे कितने पुरुषों की संख्या थी, 1000 पुरुषों पे कितने महिलाओं की संख्या थी, वो थी 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जो संख्या थी वो 940 थी, ठीक है ना, कितनी थी 940। ये क्लियर हुआ होगा। यहाँ पे यदि ये डाटा हमारा वर्ल्ड का होता तो यहाँ पे फीमेल होता, यहाँ पे मेल होता, ठीक है ना, अपोजिट है बिल्कुल। इंडिया हैज़ सेक्स रेशियो लो, इंडिया का जो सेक्स रेशियो है वो लो है, ठीक है ना, एशिया का, इंडिया का कहूँ या फिर मैं एशिया का जो सेक्स रेशियो है वो लो है। क्यों है, वाई, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया क्यों जो सेक्स रेशियो है वो इंडिया या फिर एशिया का हमें अनफेवरेबल क्यों दिखाई देता है या क्यों मिलता है। देखिए यहाँ पे क्या है, आपको भ्रूण हत्याएं देखने को मिलेंगे। पहला पॉइंट आता है कि जो भ्रूण हत्याएं हैं वो देखने को मिलेंगी, मेल डोमिनेट सोसाइटी है हमारी, और भी कुछ पॉइंट हो सकते हैं यहाँ की। मैं बात करूँ कि जैसे घरेलू डोमेस्टिक जो वॉयलेंस है वो भी हमें देखने को यहाँ पे मिलती है, डोमेस्टिक वॉयलेंस है, यहाँ का फीमेल का स्टेटस है कि जो फीमेल है उनको बाहर नहीं निकाला जाता, केवल एक चार दीवारी तक ही उनको सीमित रखा जाता है, दहेज के लिए भी उनको जो पीड़ा है वो दी जाती है, ठीक है ना। हमारा जो समाज है वो मेल डोमिनेट है, मतलब पुरुष प्रधान समाज है, जिसके कारण महिलाओं की कोई देख रेख है वो नहीं होती। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि काफ़ी ज़्यादा कारण है कि जिसके कारण एशिया और इंडिया का जो पॉपुलेशन तो ज़्यादा होने के कारण, देखिए पॉपुलेशन तो ज़्यादा है बट जो सेक्स रेशियो है वो हमें अनफेवरेबल दिखाई देता है। उसका कारण मैंने आपको बता दिया, एक तो दहेज, दूसरी होगी डोमेस्टिक वॉयलेंस की, भाई दहेज के कारण जो डोमेस्टिक जो वॉयलेंस है वो होती रहती है, भ्रूण हत्याएँ होती हैं, कि मेडिकल जो फैसिलिटी है वो इतनी ज़्यादा इम्प्रूव हो गई है कि हम अब गर्भ में ही पता लगा सकते हैं कि लड़का है या लड़की है, मतलब जो मेडिकल जो फैसिलिटी हुई है उनका हमारा एक तरह से मैं देखूं कि एक अच्छा इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसे जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो इंक्रीज हो रही है। और जो दूसरा जो इफेक्ट है वो देखा जा रहा है कि जिसके कारण हमारे यहाँ पे देश के अंदर भ्रूण हत्याएँ हैं वो हो रही हैं, ठीक है ना, मेल डोमिनेट सोसाइटी है, तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जिसके कारण हमारे देश में जो सेक्स रेशियो है वो कम देखने को मिलता है। इट शो द स्टेटस ऑफ वुमेन इन द कंट्री, और जो सेक्स रेशियो है वो किसी देश की वुमेन की स्टेटस दिखाता है कि वहाँ पे उस देश के अंदर जो फीमेल है या जो वुमेन है उनका स्टेटस कैसा है, अच्छा है या फिर बैड है, ठीक है ना, गुड है या बैड है, ये सारी जो चीज़ें हैं वहाँ का जो सेक्स रेशियो है वो बता देता है, ठीक है ना। सेक्स रेशियो ऑफ द वर्ल्ड का जो सेक्स रेशियो है वो कितना है, 99, मतलब पूरे वर्ल्ड का जब हम सेक्स रेशियो निकालते हैं तो कितना है, 990 फीमेल पे कितने पुरुषों की संख्या है, 1000 पुरुषों पे 990 महिलाओं की संख्या है, ठीक है ना बेटा, ये याद रख लीजिए। लातविया, एक पॉइंट यहाँ से निकलेगा, अब याद रखना है इस बात को, ये वन वर्ल्ड के अंदर भी आ सकता है और आपका मैप के अंदर भी। लातविया हाईएस्ट सेक्स रेशियो, लातविया के अंदर हाईएस्ट सेक्स रेशियो है, ये एक यूरोपियन कंट्री है बेटा, इस बात का याद रखना। यहाँ पे है 1187 फीमेल अपॉन में कितने मेल हैं, 1000 है, ठीक है ना, पर 1000 मेल पे कितनी महिलाओं की संख्या है, यहाँ पे 1187 फीमेल, ठीक है ना। यूएई, ये एशिया का है, लोएस्ट सेक्स रेशियो, यहाँ पे सबसे लोएस्ट सेक्स रेशियो देखने को मिलता है हमें, और कितना है, 468 फीमेल, ठीक है ना, पर 1000 मेल पे कितनी महिलाएं हैं, 468 हैं, ये यहाँ पे सबसे कम है। अब क्या है, फेवरेबल है या अनफेवरेबल कंडीशन है, इस चीज़ की जो रिपोर्ट है वो पेश करती है, या उस ये जो रिपोर्ट है उसको पब्लिश करती है, वो करती है कौन, यूनाइटेड नेशन है वो इस रिपोर्ट को पब्लिश करती है।
उसने एक रिपोर्ट पेश की जिसके अंदर क्या है, एक में तो बताया इट्स हैज फेवरेबल कंडीशन, कि जो फेवरेबल जो कंडीशन है वो कितने देशों में है, 139। ये पॉइंट बेटा याद रख लीजिए, या इनको मेंशन अपनी जो नोटबुक है उसके अंदर राइट डाउन है वो कर सकते हैं। इट हैज़ फेवरेबल इन 139 कंट्री, 139 देश ऐसे हैं जहाँ पे जो फेवरेबल कंडीशन है, जहाँ पे वुमेन की जो कंडीशन है वो कैसी है, फेवरेबल है, गुड है। और अनफेवरेबल इन 72 कंट्री, और अनफेवरेबल जो कंडीशन कंट्री हैं जहाँ पे जो वुमेन की जो कंडीशन है वो बैड है, वो अच्छी नहीं है, तो वो है 72 कंट्री। और इसके अंदर एशिया की जो देश हैं वो आते हैं, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, सऊदी अरब, ईरान, इराक, ये जो देश हैं वो शामिल किए जाते हैं अनफेवरेबल। और फेवरेबल के अंदर हमारे यूरोप का जो पार्ट है वो आता है, यूरोप जो कॉन्टिनेंट है पूरा वो आता है, और रसिया जो पार्ट यूरोप कॉन्टिनेंट के अंदर आता है वो जो पार्ट है वो भी आता है रसिया का, ठीक है ना बेटा। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। एशिया हैज़ लो सेक्स रेशियो, ये मैं आपको बता चुका क्योंकि आपको यहाँ भी पढ़ चुके हैं कि अनफेवरेबल है 72 कंट्री, तो इसमें मोस्टली जो कंट्री हैं वो एशिया की हैं, ठीक है ना बेटा। यूरोप हैज़ हाईएस्ट सेक्स रेशियो, यूरोप में हाईएस्ट सेक्स रेशियो क्यों है वो आप आगे पढ़ेंगे बेटा। यूरोप हैज़ बेटर स्टेटस ऑफ वुमेन, वहाँ पे जो वुमेन का जो स्टेटस है वो काफ़ी ज़्यादा बेटर है एशिया के कंपैरिजन या फिर अफ्रीका के कंपैरिजन करें तो। हम यूरोप में जो फीमेल का जो कंडीशन है या जो बेटर स्टेटस हमें देखने को मिलता है पूरे वर्ल्ड से, ठीक है ना। मेल डोमिनेट आउट माइग्रेशन, यहाँ पे क्या होते हैं कि जो पुरुष होते हैं वो माइग्रेशन कर जाते हैं, जो वर्ल्ड के अदर जो पार्ट हैं उनके अंदर जो माइग्रेशन है वो कर जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है यहाँ पे जो फीमेल है उनकी संख्या ज़्यादा हो जाती है, और मेल है वो क्या कर जाते हैं, माइग्रेशन है वो कर जाते हैं, यहाँ से यूरोप को छोड़कर एशिया के अंदर आ जाते हैं, या फिर जो अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका या फिर ऑस्ट्रेलिया, इनके अंदर क्या है कि वो माइग्रेशन है वो कर जाते हैं, जिसकी वजह से यूरोप के अंदर फीमेल की जो या जो वुमेन का जो नंबर है वो लगातार इंक्रीज होता है, ठीक है ना। ये चीज़ बतानी थी मेरे आपको, और पूरा जो सेक्स रेशियो का जो चैप्टर था या जो टॉपिक था हमारा वो कंप्लीट हुआ है। अब अगला जो टॉपिक होगा वो होगा हमारा एज स्ट्रक्चर का, हम एज स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ। बस आज के लिए इतना ही, आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसी ही वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।